संस्कार माता पिता ही हमें वो सिखाते हैं जो शायद इस दुनिया में कोई और नहीं सिखा पाता, क्योंकि माता पिता ही अपनी संतान को हर हाल में समझते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनुतोष द वॉइस। आइए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। गीता का विवाह हुआ। वो अपने पति व सास के साथ ससुराल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद ही गीता को एहसास होने लगा कि उसकी पटरी अपने सास के साथ बिल्कुल नहीं बैठती, क्योंकि सास पुराने ख्यालों की थी और बहू बिल्कुल नए विचारों की। गीता और उसके सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, पूरा साल बीत गया। न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न ही गीता जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगी। गीता को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। गीता के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास का सम्मान करना पड़ता। अब वो किसी भी हाल में अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन गीता का अपनी सास से जबरदस्त झगड़ा हुआ। उस दिन पति भी अपनी माँ का ही पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर मायके चली आई। गीता के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रोकर अपनी सारी व्यथा अपने पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए, मैं जाकर उस बुढ़िया को खिला दूंगी, नहीं तो अब मैं ससुराल बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने गीता के सिर पर हाथ फेराते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं ही तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन गीता जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा, अब मैं किसी भी कीमत पे उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते नहीं देख सकता, इसलिए जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, मंजूर हो तो बोलो। क्या करना होगा, गीता ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बनाकर गीता के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर हर रोज अपनी सास को चाय में मिलाकर पिलाना होगा। धीरे धीरे कम मात्रा में जहर देने से वो आंतरिक रूप से कमजोर हो जाएगी और 5-6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई है। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए आज के बाद तुम अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं झगड़ोगी, बल्कि उनकी सेवा करोगी। यदि वो कोई टीका टिप्पणी करें तो तुम चुपचाप सुन लोगी, कोई भी जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? गीता ने सोचा 6 महीने की बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल आ गई। ससुराल आते ही गीता ने अगले दिन से अपनी सास की चाय में एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया और साथ ही उनके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वो अपने सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध पीकर मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन लेती है। रोज उनके पैर दबाती, उनकी हर बात का ख्याल रखती, सास से पूछ पूछ कर उनके पसंद का खाना बनाती, उनकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का कोई भी जवाब न पाकर उनके ताने भी कम हो चले थे, बल्कि कभी कभी बहू की सेवा के बदले उसे आशीष भी दे दिया करती थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। गीता नियमित रूप से अपनी सास को एक चुटकी जहर रोजाना खिला रही थी, किंतु अब उस घर का माहौल बिल्कुल भी बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चली थी। पहले जो सास गीता को गालियां देते नहीं थकती थी, अब आस पड़ोस वालों से गीता की तारीफें करती है, बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती है। सोने से पहले जब तक बहू से 4 प्यारी बातें ना हो जाए उन्हें नींद नहीं आती। 6वां महीना आते आते गीता को लगने लगा कि उसकी सास बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में मां की छवि नजर आने लगी। जब वो सोचती कि कुछ ही दिनों में उसके दिए हुए जहर का असर दिखने लगेगा, उसकी सास की मौत हो जाएगी, तब वो परेशान हो जाती। इसी उधेड़बुन में एक दिन वो अपने पिता के घर दोबारा पहुंच जाती है और कहती है,
पिताजी, मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को नहीं मानना चाहती। वो बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूं। पिता यह सुनकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, जहर? कौन सा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूरन दिया था। तो दोस्तों, माता पिता के फैसले पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो सोचते हैं बिल्कुल सही सोचते हैं। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी अनुतोष द वॉइस चैनल के साथ।